म्हणजे ईडी हा काय प्रकार आहे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे म्हणून तुम्हाला मी सांगतो. मैंने जहां कपड़ा शिलाया ना मुलुंड में, वो टेलर के पास भी ईडी के लोग गए थे. क्या क्या शिलाया, कितने शिलाया, कितना बिल दिया, कितने सूट सिलाया. अब सिर्फ जूते वाले के पास जाना बात है. जाने दो, कहां जाना हो चाहिए, लेकिन टक्कर शिवसेना से आप ध्यान में रखिए. एक दूध वाला है हरियाणा में, हरियाणा में एक दूध वाला है, मिल्कमैन सर्वर. मैं पूछना चाहता हूं ईडी से, क्या आप ये नरवर को पहचानते हो? सिर्फ 5 साल में एक दूध वाला 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? किसका पैसा है? 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई तब से उसका महाराष्ट्र में आना जाना शुरू हो गया. बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के घर में उनका तो खुला आना जाना रहता था. उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने गई. किसका पैसा उसके पास है? किसने किया मनी लॉन्ड्रिंग? मैं ये सब, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो केसेस है नरवर की और सब किया बीजेपी के नेताओं के यहां की, जल्दी मैं दे रहा हूं, जल्दी दे रहा हूं. 7,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ ये महाराष्ट्र से गए हैं. 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में, जो उनको प्रोजेक्ट मिले महाराष्ट्र से, जो करप्शन हुआ है पहले वाली सरकार में, वहां से गई है. महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला जो है फडणवीस सरकार के काल में बहुत हो गए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ है महा आईटी में. 25,000 करोड़ का घोटाला है, 25,000. कौन है अमोल काळे, कहां छुपाया उसको बताइए. हुई अमोल काळे, हुई विजय ढवंगाळे, सब के अकाउंट्स, सबके लिंक्स, सबके मनी ट्रांजैक्शंस, सबके जिसके साथ जुड़े हैं, बिना टेंडर किसको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, पैसा कहां कहां गया है. 2 दिन में जाएगा ईओडब्ल्यू के पास, फिर जाएगा ईडी के पास. 5,000 करोड़ का तो हिसाब मेरे पास आया है, 5,000 करोड़ का हिसाब मेरे पास आया है, वो जाएगा. हमारी एक गुंठा जमीन आप निकालते हो, हमारे कितने बंगले, 19 बंगले निकाल रहे हो जो नहीं है जमीन पर. हाँ मैं सेंटर ही हूं, आप मुझे नहीं बदल सकते. आप मुझे बताइए, ईडी के पास काम नहीं है क्या? जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है महाराष्ट्र में, उनके पीछे पड़े हो. पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा लिया है, आपने शिवसेना से पंगा लिया है, आपने महाराष्ट्र से पंगा लिया है. मैं इतना आपको बताना चाहता हूं.